गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम अक्षय है और मैं आप सब लोगों का द राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है गुलदाउदी की प्लांट केयर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि गुलदाउदी के पौधे की ध्यान आप देखभाल कैसे कर सकते हैं। तो प्लीज़ बने रहिए, पूरी वीडियो देखिए। और अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कि मैं इसको कितने का लेके आया। नर्सरी से मुझे ये पॉट के साथ इसी पॉट में ले ऐसे ही पॉट में लेके आया। मैं इसको रीपॉट नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैं इसको भी शिफ्ट करूँगा तो ये थोड़ा स्ट्रेस में आ जाएगा, इसलिए मैं इसको शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ। अभी इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है तो मैं इसको नहीं छेड़ूंगा। तो ये मैं 30 रुपीज़ का लेके आया हूँ प्लांट नर्सरी से। अगर इसकी जो पौध होती है वो पौध आपको 15 से 20 रुपये की भी मिल जाएगी। और जैसे जैसे इसका साइज़ बढ़ता है, ये बड़ा होता रहता है, इसके फ्लावर्स भी बड़े होते हैं, तो वो आपको महंगे मिलेंगे नर्सरीज में। अब इसकी सन नीड्स के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसकी जो सन की नीड्स होती हैं, ये वैसे तो सीजनल प्लांट है, विंटर्स में आता है इसको धूप, लेकिन जो सर्दियों की धूप होती है, ज़्यादा चुभने वाली धूप नहीं होती, ठंडी धूप होती है। इसको 4 से 5 घंटे की धूप चाहिए होती है अच्छी ग्रोथ करने के लिए। अगर उससे कम भी मिलेगी, 2-3 घंटे में भी अच्छी तरह मतलब ठीक तरीके से ग्रोथ करता है। लेकिन अगर बिल्कुल ही कम धूप होगी, इसकी 1 घंटे की धूप तो इसके लिए मस्ट है ही है। अगर धूप आप इसको कम दोगे तो ये अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं करेगा। इसके जो फ्लावर्स हैं वो थोड़े थोड़े ब्लैक पड़ने शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, जैसे ये पड़ रहा है धीरे धीरे, ऐसे ये पूरे ब्लैक होने शुरू हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, इसको पानी कैसा चाहिए। गुलदाउदी की जो वाटरिंग नीड्स है, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा धूप तेज़ होती नहीं है तो पौधा जो है इतनी जल्दी सूखता नहीं है, तो हमने पानी का खास ध्यान इसलिए रखना है गुलदाउदी में, क्योंकि गुलदाउदी में अगर आप ज़्यादा पानी दे देंगे तो ये मुरझाने लगेगा, काला पड़ने लगेगा, और इसके जो फ्लावर्स हैं वो नीचे की तरफ ऐसे झुक जाएंगे और नीचे धीरे धीरे करके मर जाएंगे और गिर जाएंगे। तो पानी आपने इसमें तभी देना है जब आपकी इसकी जो ऊपर वाली मिट्टी की लेयर है वो सूख चुकी हो पूरी। अभी ये थोड़ी वो है, गीली है, इसमें नमी है, मॉइस्ट है। सौगी नहीं करनी है आपने इसकी मिट्टी को, दलदली नहीं बनाना है। इतना पानी नहीं देना है कि इसकी जो मिट्टी है वो दलदली बन जाए और जो प्लांट आपका धीरे धीरे नहीं तो मरना शुरू हो जाएगा। ये देखिए कितनी सारी बर्ड्स आ रही हैं इसमें। आपने इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि जो प्लांट है आपका हेल्दी रहे। नीड्स प्लांट आपको अपने आप ऐसे सिग्नल्स दे देता है कि उसको ज़रूरत है। खाद की हम अगर इसमें बात कर लें तो खाद आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर ही डालिए, क्योंकि एक बार जब ये फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है तो जो सूखी खाद होती है उससे क्या खतरा होता है, उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, तो नाइट्रोजन कभी कभी जो फ्लावर्स हैं वो ज़्यादा खाद की वजह से जल जाते हैं, झुलस जाते हैं, वो झुलस जाएंगे और नीचे गिर जाएंगे। लिक्विड फर्टिलाइज़र जल्दी प्लांट के जो रूट्स हैं उसमें डिजॉल्व होता है और जल्दी जो प्लांट है उसको एब्जॉर्व करता है। दूसरी चीज़, इसकी जो लीव्स हैं, लीव्स भी अगर आप थोड़ा सा पानी स्प्रे कर देंगे, स्प्रे बॉटल छोटी सी अगर आपके पास है तो ले आइए। स्प्रे अगर आप पानी करेंगे तो जो लीव्स है वो लीव्स भी थोड़ा सा वाटर जो यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेंगी। और फर्टिलाइज़र की बात मैंने आपको बता ही दी है फ्रेंड्स, इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए आप। लिक्विड फर्टिलाइज़र आपके प्लांट के लिए बहुत हेल्दी रहेगा और आपको जो प्लांट है उसकी सारी नीड्स पूरी हो जाएगी। गुलदाउदी सीड से लगना काफ़ी मुश्किल है, इसकी कटिंग से लगने का जो तरीका है वो ज़्यादा पॉपुलर है। इसको नाना करके इतनी कम से कम इतनी बड़ी कटिंग चाहिए होती है, इतनी बड़ी कटिंग चाहिए होती है, उससे ही गुलदाउदी जो है, गुलदाउदी का पौधा लगाया जाता है। और अभी क्योंकि विंटर्स हैं और शादियों का भी काफ़ी मौसम है, तो आप लोग काफ़ी गुलदस्तों में भी गुलदाउदी के पौधे देख सकोगे, क्योंकि गुलदाउदी के बहुत सारे शेड्स आते हैं। मेरे पास तो ये येलो कलर की वैरायटी है, मरून कलर का शेड भी आता है इसमें, वाइट कलर का भी आता है, रेड कलर का भी आता है, पिंक भी आता है, बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप गुलदाउदी लगाना चाहते हैं तो मैं तो सजेस्ट करूंगा आपको कि आप 3-4 गुलदाउदी एक साथ लेके आएं, उससे जो आपके गार्डन का, जो आपकी बालकनी का, अगर आप बालकनी में लगाते हैं, गार्डनिंग करते हैं, उसका जो लैंडस्केप है वो बहुत अच्छा लगेगा। छोटे छोटे आप गुलदाउदी के पौधे एक साथ रखेंगे तो वो बहुत बड़ा गुच्छा लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा, एक बना बनाया गुलदस्ता लगेगा आपको। गुलदाउदी का जो ये मेन प्लांट है, मेन प्लांट की जो रूट्स हैं, रूट्स से भी नए नए प्लांट्स आते रहते हैं। ये देखिए, जैसे एक और प्लांट आ रही है, ये दूसरा प्लांट ग्रो कर रहा है, ये एक और है। जब इसकी रूट्स इतनी डेवलप हो जाएंगी तब मैं इसको ऐसे खींचना नहीं है, आपने इसकी रूट जड़ जब अलग हो जाएगी तो जड़ समेत ही आपने ऐसे गड्ढा करके इसको निकाल के अलग पॉट में शिफ्ट कर लेना है। वहाँ पे फिर देखना है कि वो ग्रोथ करता है कि नहीं करता है। गुलदाउदी का जो फ्लावर होता है वो आपको फेब्रवरी के महीने तक लास्ट मिलेगा। मार्च के बाद ये सीज़न का नहीं होता, एनवायरनमेंट सपोर्ट नहीं कर पाते, तो ये धीरे धीरे मरना शुरू हो जाते हैं।
नवंबर से लेके फेब तक आप गुलदाउदी के जो ये ब्यूटीफुल शेड्स हैं इसको एंजॉय कर सकते हैं। और आप नर्सरी से लेके आइए, अगर आप खुद उगाना चाहते हैं तो खुद उगाइए। और जितनी बेसिक टिप्स मैंने आपको इस वीडियो में शेयर करी है उसका आप ध्यान रखिए, तो आपका जो पौधा है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो ये थी हमारी वीडियो फ्रेंड्स गुलदाउदी के प्लांट केयर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय।